छत्तीसगढ़ राज्य बाल श्रमिक कर्मचारियों ने संविलियन समायोजन 9वें दिन भी धरने पर डटे रहे। छत्तीसगढ़ बाल श्रमिक कर्मचारियों का अपने संविलियन समायोजन को लेकर लाखे नगर ईदगाह भाटा में अनिश्चितकालीन धरना 9वें दिन भी जारी रहा। वहीं इस धरना प्रदर्शन का समर्थन देने जनता कांग्रेस पार्टी के सदस्य ऋचा अमित जोगी के निर्देश पर आशिफ मेमन तथा पार्टी सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दी और कहा कि बाल श्रमिक शिक्षक कर्मचारी विगत सन 1996 से छत्तीसगढ़ बाल श्रमिक विद्यालय में कार्य किए थे, जो 15 जिलों में संचालित है, जिसमें 1,345 शिक्षक कर्मचारी कार्यरत थे, जो कि शिक्षा के अधिकार के तहत बाल श्रमिक स्कूल को बंद कर दिया। लेकिन उनमें कार्यरत कर्मचारियों के लिए रमन सिंह ने कोई दिशा निर्देश नहीं दिए, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार आप लोगों के साथ छलावा कर रही है, हमारी सरकार आई तो सबसे पहले कलम आप लोगों के संविलियन पर आपके हक में होगी, जो 18 वर्षों से अपनी सेवा दिए हैं। हमें संविलियन करना होगा, लगातार अनिश्चितकालीन का 9वां दिन है और इसमें 9वां दिन में हमने यहाँ पर बड़ी संख्या में सब सभी जिले के उपस्थित हुए थे, लेकिन हमने शासन को एस डी एम साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है हमारी संविलियन की मांग को लेकर, लेकिन अभी तक प्रतिक्रिया वहाँ से आई नहीं है और ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आने पे अगले सप्ताह हमारा अनिश्चितकालीन चल रहा है, जिसमें हम उग्र रूप में भी ले सकते हैं, उग्र रूप में हमारा सीएम उसको घेराव भी कर सकते हैं और भूख हड़ताल की भी हम प्लानिंग कर सकते हैं। आपके समर्थन में कोई पार्टी है? हमारी समर्थन में आप पार्टी आई थी और जो कि कांग्रेस पार्टी भी हमारे समर्थन में आई थी और अन्य एनजीओ लोग भी हमारे समर्थन में आए हैं हमारी मांग को लेकर। नाम बता दीजिए। लखन कुमार साहब। हमें अजीत जोगी तरफ से भेजा गया है समर्थन देने के लिए, जो भी आपकी मांगे पूरी है, जो समर्थन पत्र दिया गया है, हम जोगी जी के पास दे के इसे सीएम को लेटर लिखाएंगे और सीएम 4 महीने का मेहमान, अगर 4 महीने में आपकी मांग पूरी कर दे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हमारी सरकार बनते ही पहला साइन हस्ताक्षर नए साल में आप लोगों की मांगे पर रहेगा, जो भी मांगे जायज मांगे उसे जोगी जी पूरी करेंगे। इसी आशा के साथ आप लोगों के साथ हम हमेशा हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे।